हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ बहुत काम के किचन टिप्स। देखेंगे सबसे पहले नंबर एक, रायता तो आप अक्सर बनाती होंगी, लेकिन इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें साबुत जीरे और हींग का तड़का लगाएं। रायते में पुदीना पाउडर डालने से भी उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। नंबर दो, दाल को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें जीरा, राई, प्याज और करी पत्ते का तड़का लगाएं, स्वाद दोगुना हो जाएगा। नंबर तीन, अगर बेसन का चीला नरम बनाना चाहती हैं तो उसमें थोड़ा सा ताज़ा दही मिला लें, इससे आपका चीला नरम बनता है। नंबर चार, प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें, इससे प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नंबर पाँच, साबुदाने की टिक्की बना रही हैं तो उसमें एक ब्रेड का टुकड़ा भी मिला दें, इससे टिक्की नहीं फटती। नंबर छः, अगर आप दाल में सिर्फ जीरे का तड़का लगाते हैं तो अब दाल में बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा घी भी मिला दें, दाल का स्वाद और रंग दोनों दोगुना बढ़ जाएगा। नंबर सात, भिंडी काटने के तुरंत बाद उसमें नींबू का रस मिला दें, इससे भिंडी का लसलसापन खत्म हो जाता है। नंबर आठ, अगर आप लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हैं तो लौकी कद्दूकस करने से निकला हुआ पानी से पराठे का आटा लगाएं, इससे पराठे मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर नौ, अगर आमलेट बना रही है तो जब अंडा फेंट रहे हो तो उसमें दो चम्मच दूध मिला लें, इससे आपका आमलेट अधिक मुलायम बनेगा। नंबर दस, अगर आप खीर बनाने जा रही हैं तो खीर बनाने से पहले चावल को एक घंटे तक भिंगो कर रखें, इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फैलाकर सुखा लें। इस चावल को बेलन से क्रश कर लें। अब इस चावल की खीर बनाएं, पहले से स्वादिष्ट बनेगी और खीर बनने में भी टाइम कम लगेगा। नंबर 11, खीर बनाते समय चीनी हमेशा अंत में ही डालें, क्योंकि चीनी पहले डालने से चावल ठीक तरह से पक नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे नंबर 12, अगर आप सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं तो सूजी सेकते वक्त यानी उसे भूनने वक्त उसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला दें, इससे आपका हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 13, दाल को उबालते समय उसमें एक चुटकी हींग डाल दें, इससे उसकी पाचक क्षमता बढ़ती है और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप आधा चम्मच तेल भी मिला सकती हैं। नंबर 14, अगर आप कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं तो मीठा बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। नंबर 15, अगर आपकी रोटियां या पराठे ज़्यादा टाइट या क्रिस्पी बन रहे हैं तो छेना फाड़ने के बाद बचे हुए पानी का इस्तेमाल आप आटा लगाने के लिए करें, यानी से इससे ही आटा को गूंदें, इससे रोटी या पराठे अधिक स्वादिष्ट बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। नंबर 16, बारिश के मौसम में नमक को पानी होने से बचाने के लिए उसमें एक मुट्ठी चावल रख दीजिए। नंबर 17, ग्रेवी की रंगत अच्छी रखने के लिए मसालों के साथ जरा सा चुकंदर कस ले, इससे ग्रेवी की जो कलर होते हैं वो बहुत ही अच्छा आता है। नंबर 18, हलवे में सूखी चीनी डालने की जगह चाशनी बनाकर डालें, इससे आपका हलवा बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगा। नंबर 19, टमाटर सूप को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेड चूरा डालकर मिक्सी में चला लें। नंबर 20, अगर आप कोई सब्जी में खटाई डालना चाहती हैं तो सब्जी में खटाई सब्जी पक जाने के बाद ही मिलाएं, तभी उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। नंबर 21, बेसन के घोल में जरा सी उड़द के दाल का पेस्ट डाल देने से पकौड़ियों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। नंबर 22, दूध को उबालते समय दूध के बर्तन पर एक लकड़ी का चमकम यानी कि एक कोई टुकड़ा रख दे, दूध बाहर नहीं गिरेगा। नंबर 23, क्रिस्टल बर्फ जमाने के लिए पानी उबालने के बाद ही क्रिस्टल बर्फ जमाएं। नंबर 24, बरसात के दिनों में मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें कांच के जार में रखा करें,
नंबर 25, मसालों में थोड़ा सा नमक मिला दे, इससे मसालों में जाले कभी नहीं पड़ेंगे। नंबर 26, प्याज काटने के बाद अक्सर इसकी गंध हमारे हाथों में रह जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा बेकिंग सोडा ले और रगड़ कर वॉश कर ले, इससे उसकी गंध चली जाएगी। नंबर 27, सलाद काटते समय हमेशा सब्जियों को तिरछी काटे, इससे उसका जूस बरकरार रहेगा। नंबर 28, टमाटर से छिलका उतारने के लिए टमाटर पर एक क्रॉस बनाएं, फिर उन्हें उबालें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे नंबर 29, चावल बनाते समय इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, इससे चावल खिले और सफ़ेद होंगे और ये अलग अलग दाने दिखेंगे। नंबर 30, अगर आप समोसा बनाने जा रही हैं तो समोसे का आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इससे समोसे कुरकुरे बनेंगे। नंबर 31, आलू की टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबालकर मिलाएं, ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आ जाता है। नंबर 32, अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं तो ओवन कुछ देर पहले ही ऑन कर लें, इससे आपका ओवन गर्म हो जाएगा और आपका खाना जल्दी पकेगा। नंबर 33, छेना पाने के बाद उसके पानी का उपयोग पराठे के आटे को गूंथने में करें, उसके पराठे टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर 34, अगर कभी कपड़े में इंक का दाग लग जाए तो उस पर टमाटर का एक टुकड़ा रगड़ दे, जब दाग हल्का हो जाए तब उस पर आलू का एक टुकड़ा रगड़ दे, फिर उसे पानी से धो ले, दाग अच्छे से साफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे हम नंबर 35, अगर आप लहसुन छिलने जा रही हैं तो लहसुन छिलने से पहले उसके कलियों को अलग कर ले और अब उन पर हल्का सा वनस्पति तेल लगा दे, आधे घंटे के लिए धूप में इसे रख दे, इसके बाद देखेंगे कि कलियों से छिलके जो है सो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।